आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 वेक्टर एलजेब्रा से एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम लॉ को। तो क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों ने ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम लॉ फिजिक्स में क्लास 11th में पढ़ा हुआ है साइंस वाले बच्चों ने, बट काफ़ी सारे बच्चों ने ये कॉमर्स वाले बच्चों ने नहीं पढ़ा है। इसलिए अगर उन्हें कोई भी प्रॉब्लम ना आए एडिशन ऑफ वेक्टर में एंड ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम लॉ में, तो इसलिए मैं इसका अलग से टॉपिक बना रही हूँ, छोटी सी वीडियो होगी, इसमें आप लोग ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम लॉ को समझने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए एडिशन ऑफ वैक्टर्स के बारे में। तो अगर मैं क्या कर रही हूँ, ए वैक्टर, हमारे पास में दो वैक्टर, एक तो ये वाला ए वैक्टर है, ये हमारे पास में बी वैक्टर है। अब ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन हमसे क्या कहता है कि अगर हम ए वैक्टर को बी वैक्टर में ऐड करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ए वैक्टर को एज इट इज रखेंगे, बी वैक्टर की ये क्या चीज़ है, ये जो इसका ऊपर का है इसको बोलते हैं हेड, एंड इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं टेल। तो बी वैक्टर की टेल को ए वैक्टर के हेड से हम लोग ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर आप बी वैक्टर के टेल को ए वैक्टर के हेड से ज्वाइन करेंगे। अब ये आपके पास में आ गया ए बी। अब अगर हमें इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, इन दोनों का एडिशन, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, इनके अपोजिट सेंस में एक रिजल्टेंट ड्रॉ करेंगे। मतलब इस तरीके से हम लोग हेड से हेड को ज्वाइन करते हैं, टेल से टेल को ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब इसको ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्या होगा, इन जब ये तीनों ऐड जाएंगे तो एक ट्रायंगल आपको फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्लियर हुआ यहाँ तक आप सभी को? तो ये हमारे पास में हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। अब देखिए अगर मैं a प्लस बी करूँ तो इस तरीके से हो जाएगा। अगर मैं b को उल्टा कर दूँ, b अगर आपके पास में इस तरीके से, अगर मैं इसको नीचे की तरफ ले आऊँ तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ b वेक्टर हो जाएगा। माइनस ऑफ b वेक्टर अगर हम a वेक्टर में माइनस करेंगे b वेक्टर, तो आप बेसिकली कर क्या रहे हो, आपके पास में ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, a वेक्टर साथ में नीचे की तरफ वाला जो वेक्टर है जिसका नाम है आपके पास में माइनस b वेक्टर, इन दोनों को आप ऐड करते हुए रिजल्टेंट जो ड्रॉ करोगे तो वो आपका कुछ इस तरीके से होगा, a वेक्टर प्लस माइनस ऑफ b वेक्टर। इसको आप लोग लिख सकते हो a वेक्टर माइनस b वेक्टर, ये हो जाएगा दोनों का डिफरेंस, भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक आप सभी को? और अगर आप लोग जब एक चीज़ को यहाँ से देख रहे हो कि जो आपके पास में ए बी प्लस बी सी है, ए बी प्लस बी सी है, वो हमारे पास में क्या आ रहा है, ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर हमारे पास में आ रहा है ए सी वैक्टर, ये चीज़ हम लोग देख पा रहे हैं। तो हम इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर इज इक्वल्स टू ए सी वैक्टर को मैं क्या लिख सकती हूँ, माइनस ऑफ सी ए वैक्टर। मतलब डायरेक्शन को अगर मैं अपोजिट कर दूँ तो माइनस साइन लगाऊंगी, तो ये आपके पास में आ जाएगा। इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर प्लस आपके पास में इस चीज़ को इधर लाएंगे हो जाएगा सी ए वैक्टर इज इक्वल्स टू जीरो। ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर प्लस सी ए वैक्टर इज इक्वल्स टू जीरो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। इसको आप इस तरीके से समझिए, या फिर आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आप ए बी से गए, बी से सी गए, एंड फिर आप सी से ए पे वापस आ गए, तो आप क्या करें, बिल्कुल पूरा आप एक साइकिल कंप्लीट करिए, ए से ए तक ही आ गए आप लोग वापस, तो ए ए वैक्टर आपका कितना हो जाएगा, जीरो वैक्टर हो जाता है। क्लियर हो रहा है यहाँ तक आप सभी को? तो ये चीज़ आई होप आपको क्लियर हुई होगी ट्राइंगल ऑफ वैक्टर एडिशन से। अब हम बात करते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ ऑफ वैक्टर एडिशन। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप ए प्लस बी करें चाहे आप बी प्लस ए करें, बात आपकी सेम ही रहेगी। देखिए अगर मैं यहाँ पर आपके पास में ए है, यहाँ पर आपके पास में बी है, अगर मैं ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर करूँ तो आपके पास में क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट इनके अपोजिट सेंस में आ जाएगा, ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर, ठीक है। अब अगर मैं बी प्लस ए करूँ तो ये आपका जा रहा है बी वैक्टर, ये आपका जा रहा है ए वैक्टर, ठीक है, इनके पैरल तो आपका सेम ही रहने वाला है। तो अगर मैं इन दोनों का रिजल्टेंट ड्रॉ करूँ अपोजिट डायरेक्शन में तो कुछ इस तरीके से होगा, तो ये भी आपके पास में क्या हो जाएगा, बी वैक्टर प्लस ए वैक्टर हो जाएगा। तो मतलब ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर इज इक्वल इज सेम एज बी वैक्टर प्लस ए वैक्टर। क्लियर हुआ? ये आपकी प्रॉपर्टी जैसे सिंपल में होती है वैसे आपका सेम रहेगी। अगर थर्ड आपका आता है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, मतलब कि अगर मैं पहले ए प्लस बी करके फिर उसे सी में ऐड करूं तो सेम रिजल्ट आएगा, और अगर मैं ए में बी प्लस सी को ऐड करके ऐड करूं तो भी सेम रिजल्ट आएगा। मतलब क्या है यहाँ पर कि अगर हमारे पास में ये है ए वैक्टर, ये है मेरे पास में बी वैक्टर, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा मेरे पास में, ए प्लस बी वैक्टर, ठीक है। अब अगर मैं इसमें सी वैक्टर ऐड कर दूँ तो ये मेरे पास में आ रहा है ए प्लस बी प्लस सी। आई होप नहीं क्लियर हुआ, एक मिनट, ये ए वेक्टर है हमारे पास में, ठीक है, ये हमारे पास में क्या है, बी वेक्टर है, इन दोनों को अगर मैंने ऐड किया तो मेरे पास में आ गया ए प्लस बी वेक्टर, ठीक है। अब अगर मैं ए प्लस बी को पहले कर लूँ उसमें सी को ऐड करूँ, उसमें मैं क्या कर रही हूँ, सी वेक्टर को ऐड करूँ, तो मेरे पास में वापस से रिजल्टेंट यही आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। दूसरा मैं क्या करूँ कि अगर अपने ए वेक्टर को एज इज रखूँ, ये जो मेरा बी वेक्टर है एंड ये जो मेरा सी वेक्टर है, इन दोनों का एडिशन निकालूँ, ये आ जाएगा, उसके बाद ये आ जाएगा मेरे पास में बी प्लस सी, उसके बाद मैं इसमें ए वेक्टर को ऐड करूँ तो भी मेरे पास में ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा।
क्लियर हुआ यहाँ तक आप सभी को? ये आपके पास में दो प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल ऑफ एडिशन की. अब ये चीज़ आप लोगों को आई होप सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई होंगी. इन चीज़ों का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये मैंने काफ़ी अच्छे से क्लियर कराई है. सो आई होप आज की वीडियो में हम लोगों ने ट्राइंगल ऑफ एडिशन अच्छे से समझ लिया है. आगे जितनी भी हम लोग वीडियो करेंगे उसमें काफ़ी अच्छे से ये यूज़ होने वाला है. सो आई होप आज की वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा. अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लोग को कर लेना चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ में जिससे उनका भी कोई भी लेक्चर मिस ना हो. एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ऑल जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको सारे के सारे लेक्चर्स का नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहेगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द lecture till the end. Till then, take care. Bye bye. I'll meet you guys next lecture.